हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरपी पब्लिक स्कूल जोगीटर सीबीगंज बरेली में। और इस वीडियो में आपके लिए मैं बताऊंगा क्या टॉपिक हमारा है आज का, गोले का आयतन। तो हमारा ये टॉपिक है गोले का आयतन, और हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था गोले का प्रस्थ। तो ये टॉपिक आपके लिए है गोले का आयतन। तो हम आपके लिए बताते हैं कि देखिए गोले का आयतन क्या होता है। यहाँ पर एक गोला हो गया और इसकी अगर त्रिज्या आर है, कितनी त्रिज्या है इसकी, त्रिज्या आर है और इसका आयतन अगर आपको निकालना है तो ये होता है गोले का आयतन। गोले का आयतन तो ये होता है गोले का आयतन बराबर 4/3 πr³। ये होता है 4/3 πr³। देखिए ये फार्मूला है आपके लिए और ये ही आपके लिए यूज होगा। और वक्र प्रश्न में जैसा कि हमने बताया था, वक्र प्रश्न में अगर बताऊं मैं तो वक्र प्रश्न का कितना था, तो वो था 4πr² जो कि मैं आपको पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूं, आप देख लेना। अब देखिए मैं आयतन पढ़ा रहा हूं तो इसके लिए हमें फार्मूला यूज ये वाला करना पड़ेगा। अब ये वाला फार्मूला यूज करने के लिए आप कैसे सवालों से यहाँ पर करेंगे, एक्सरसाइज को कैसे करेंगे, देखें सवाल क्या होंगे। सबसे पहला जो सवाल होगा टाइप नंबर वन, पहला नंबर होगा आपके लिए टाइप नंबर वन। तो पहला प्रकार क्या होगा, सबसे पहले यह प्रकार होगा कि आपके लिए त्रिज्या दी जाएगी। तो हम यहां पर लिखते हैं यदि गोले की त्रिज्याएं, ऐसे लिखिए यदि गोले की त्रिज्याएं, गोले की त्रिज्याएं आपको दी गई होंगी। अब मान लो इसमें मैं दो सवाल ले रहा हूं, गोले की त्रिज्याओं में पहला सवाल यहां ले रहा हूं 2 cm और दूसरा ले रहा हूं मैं त्रिज्या 4 cm। तो मैंने यहां पर दो त्रिज्या ले ली हैं और आप देखिए यहां पर आपके लिए क्या करना है, इन दोनों त्रिज्याओं से आप आयतन निकालेंगे। ठीक है, तो गोले का आयतन हम पहली त्रिज्या से निकाल ले रहे हैं तो हम लिखेंगे गोले का आयतन, गोले का आयतन। तो यहां पर पहली त्रिज्या के लिए आयतन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपके लिए, देखिए 4/3 πr³। आर क्यूब मतलब आर का मान कितना है, 2 है। तो आपके लिए 2 का यहां पर क्यूब कर देना है, क्या कर देना, क्यूब यानी घन। तो कर दिया मैंने 4/3 π और गुणे आर क्यूब है तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जब आप 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो आपके लिए 8 हो जाएगा। अब ये 8 हो गया तो आप गुणा करा दो, 8 × 32 और π/3 ये हो जाएगा आपके लिए। और सेंटीमीटर क्यूब, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर क्यूब। और गोले के आयतन को लिखते हैं बी से, किससे लिखते हैं बी से, तो हो जाएगा हमारा 32/3 और यहां पर π cm³। ये पहली रेडियस के लिए आ गया 2 cm के लिए। अब मैं आपको 4 cm के लिए बताता हूं, तो देखिए यहां पर 4 cm के लिए, 4 cm के लिए यानी दूसरा पॉइंट, तो यहां पर लिखेंगे वॉल्यूम बराबर 4/3 πr³। तो 4/3 π ✕ r³, r का मान हमारे पास यहां पर कितना है, 4 है। तो यहां पर मैंने लिख दिया 4³, ये लिख दिया। तो 4/3 × π और यहां पर 4 को 3 बार गुणा करेंगे तो मैं लिख देता हूं, देखो इस तरीके से, ऐसे 4 को 3 बार गुणा करूंगा तो 4/3 × π और गुणे यहां पर कितना हो जाएगा, 4 × 16 और ये 4 बार में और 64 हो जाएगा। अब देखिए आपके लिए क्या करना है, आप सिंपली यहां पर गुणा कर देनी है 4 की, तो 4 × 16 = 6 यहां पर आपके लिए आ गया, 1 हासिल, 4 × 24 और 1 = 25 ये आ गया और पाई और बटे में 3 तो ये आपके लिए आ गया और इसका यूनिट है सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया इसका वॉल्यूम यानी आयतन आ गया। अब यहां पर देखिए एक बात ध्यान रखेंगे कि पाई का जो मान है वो आपके लिए 22/7 भी रख सकते हैं या रख सकते हैं 3.14, ये रख सकते हैं पाई का मान। तो आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि अगर हमें वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो पाई का मान 3.14 या 22/7 को रख देंगे। अब बात करते हैं हम देखिए दूसरे तरीके के क्वेश्चन की, तो दूसरे तरीके के क्वेश्चन की यहां पर देखिए बात करते हैं, इधर देखिए यहां पर दूसरा तरीका हमारा क्या होगा, टाइप नंबर टू, टाइप टू के क्वेश्चन, टाइप टू के क्वेश्चन में क्या होगा बच्चे, टाइप टू के क्वेश्चन में आपके लिए व्यास दिया होगा। तो मैं लिख रहा हूं गोले का व्यास, गोले का व्यास, तो गोले का व्यास यहां पर अगर हमें आपके लिए दिया गया, पहला पॉइंट, पहला अगर हमने मान लिया 8 दिया गया, 8 cm, ये हो सकता है। अगला हमने यहां पर लिख लिया आपके लिए दूसरा, तो दूसरा ले लिया मैंने 3, यहां पर आप ले लीजिए 9 cm, कितना ले लीजिए 9 cm,
तो ये मैंने ले लिया। अब देखिए इनके लिए आपको गोले का आयतन निकालना पड़ेगा। तो व्यास दिया गया, जब किसी को भी गोले का मान लो ये ऐसा बना होगा ऐसा, और इसका पूरा व्यास कितना है 8 सेंटीमीटर है, तो मैं इसका त्रिज्या निकालूंगा तो r बराबर हो जाएगा 8/2 यानी 2 × 8 4 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो हम इसके गोले का आयतन निकालेंगे b बराबर 4/3 πr³। ये तो 4/3 पाई का मान नहीं रखेंगे, ऐसे ही रख लेंगे r³। r का मान आ गया 4³, तो यहां पर हो जाएगा 4/3 पाई इंटू आर क्यूब यानी 4 × 16 × 64। तो ये 64 आ गया, 4 की गुणा करा देंगे, 4 × 16 = 6 हासिल, 4 × 24 = 25 और पाई बटे में 3 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया इसका। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि आपके लिए, लेकिन एक बात ध्यान रखना, बस पाई का मान आप यहाँ पर डाल सकते हो 22/7 या 3.14, ये आप मान डाल करके इसको सॉल्व कर सकते हो अच्छे तरीके से। अब देखिए इसका दूसरा है 9 सेंटीमीटर, तो इसका अगर निकालेंगे 9 सेंटीमीटर के लिए, तो दूसरा यहां पर देख लो 9 सेंटीमीटर के लिए, तो हम इसको r निकालेंगे तो हो जाएगा 9/2। अब इसका 9/2 को करोगे तो 2 × 8 एक बचा, तो पॉइंट लगा देंगे 10 × 2 = 10 4.5 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा रेडियस। जब रेडियस आ जाएगा तो वॉल्यूम में निकाल लेंगे, तो वॉल्यूम बराबर क्या होगा 4/3 πr³। ये होगा तो 4/3 लिख लिया, पाई का मान हम यहां नहीं डालेंगे, आर क्यूब यानी आर क्यूब मतलब 4.5 का क्यूब। अब देखें यहां पर आपके लिए गुणा करनी पड़ेगी 4.5 की कितनी बार, 3 बार। तो देखिए मैं 45 की गुणा कर रहा हूं, पहले 2 बार फिर 3री बार करके आपको दिखा रहा हूं। देखिए यहां पर देखिए ध्यान से, इधर देखिए, तो हमने यहां पर लिख दिया 45 × 45, तो मैं पहली बार इनको 2 बार में कर रहा हूँ, 5 × 25 = 5 हासिल लगा यहाँ पर 2 × 5 = 20 और 2 = 22 225 आ गया, क्रॉस लगा दिया, 4 × 5 = 20 2 हासिल, 4 × 16 और 2 = 18 जोड़ लो 5 2 8 × 2 = 0 1 × 1 = 2 2 20 = 25 आया। अब 20 × 25 की गुणा फिर से 45 से कर देंगे, तो मैंने फिर से लिखा 5 × 25 = 5 2 × 5 = 10 2 × 12 = 2 और यहाँ पर 1 × 5 = 0 1 और 5 × 2 = 10 ये आ गया, क्रॉस लगा दिया, 4 × 5 = 20 2 बचा और 4 × 8 = 2 10 = 0 हासिल लगा 1 × 4 = 0 1 और 4 × 8 अब जोड़ लो 5 2 1 1 9 ये आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आपके लिए इतना आ गया तो पॉइंट कितने के बाद लगाएंगे, 3 के बाद पॉइंट कितने के बाद, 3 के बाद, तो यहाँ हो गया 91.125। तो यहाँ पर 4/3 πr × 91.125 आ गया। अब सिंपली आप 4 से गुणा कर दोगे इसकी, तो 4 से और गुणा कर दो, देखो 4 से गुणा कर देंगे, 4 × 5 = 0 हासिल लगा 2 और 4 × 8 और 2 × 10 = 0 हासिल लगा 1, 4 × 4 और 1 × 5 और 4 × 4 ये आ गया 4 × 4। अब देखिए यहां पर 4 × 4 कर चुके हैं, 4 × 9 = 36 ये आ गया 36,500। तो 36,500 यहां पर आपके लिए आ गया। अब आप क्या करेंगे, आपके लिए यहां पर जो है 9 से यहां पर सिंपली इसको सही तरीके से लिख देना, ऐसे लिखना, ये हटा दीजिए जरा, सही तरीके से लिख लें 4/3 × π और गुणे 4.5 क्यू का मान जो आया है वो 91.125 आया है, ये आया है। अब मैं 4 से इसको सही तरीके से गुणा करके देखो तो लिखता हूं, देखो 4 × 5 = 0 और हासिल लगा आपके लिए 2, तो 4 × 8 और यहां पर 8 × 2 = 10 10 = 0 अब यहां पर 1 बचा 4 × 4 और 1 × 5 और यहां 4 × 4 और 4 × 9 = 36 ये आ गया, और बटे में आपके लिए 3 है और पॉइंट कितने बार लगाओगे, 3 के बाद, तो 3 के बाद पॉइंट यहां लगेगा, यानी आ जाएगा 364.5 और अपॉन में 3 ये आ गया और पाई, पाई और सेंटीमीटर क्यूब, तो ये आ जाएगा आपके लिए वॉल्यूम। इस तरीके से आप यहाँ पर सवालों को कर सकते हो। तो आपके लिए देखा कि पहले 8 सेंटीमीटर के लिए, फिर 9 सेंटीमीटर के लिए आपको वॉल्यूम निकाल के दिखाया, रेडियस निकाले। इस तरीके से आपको वॉल्यूम भी दिया हो सकता है जिसमें आप रेडियस और उसकी जो है कहीं ना कहीं रेडियस निकाल सकते हो, व्यास भी निकाल सकते हो। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप ये समझ गए होंगे कि त्रिज्या दी होगी तो कैसे वॉल्यूम निकालना है, व्यास दिया गया होगा तब कैसे निकालना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप ये बहुत ही अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।